पर इतने पहुंचे हैं, असि फिर इन्हों का धन्यवाद करते हैं। बेनती है संजीव वर्मा जी को दो चार शब्द अपने संगतों के नाल सांझे करन, जो भी उन्होंने दिल के अपनी सिख प्रति प्यार भावना है वो अच्छ संगतों के नाल सांझे करन। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आज यहां पर सैलाब नजर आ रहा है लोगों का, यह सैलाब इसी तरह से बरकरार रहे यहां पर, और हम यह दिखा दें कि हिंदुस्तान के हम लोग यहां पर आकर एक ऐसी संस्कृति यहां पर दे सकते हैं, इनको कंट्रीब्यूशन इतना दे सकते हैं समाज में कि हमारे बगैर फिर इनका काम न चल सके। आज मैं जहां भी जाता हूं सभी जगह एक ही बात होती है, किसी भी अथॉरिटी से मिलता हूं, इटली में किसी से भी मिलता हूं, लोग यही कहते हैं कि भाई आपके हिंदुस्तान के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, कभी किसी भी ढंग की परेशानी नहीं देते हैं। ये सुनकर हमारा दिल बहुत चौड़ा हो जाता है, और उसी के बाद मुझको यह महसूस होता है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर शायद किसी समय का पुण्य था जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच में आया। शायद ये पटना साहब जी की कृपा थी कि मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच आ सका, और आप लोगों को जो भी मैं थोड़ी बहुत अपनी सेवा दे सकता हूँ अपने सहयोगियों के बीच से वो सब कर पा रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही बढ़िया दृश्य है, और पिछली बार भी फूलों की वर्षा है बहुत। संगत जी जो पर हैलीकॉप्टर देख रहे हो, इटली की धरती से रेंदे मलान बलवीर सिंह जी मांडी जिन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वादा किया है जिन्हें चर इटली रहन गए हैलीकॉप्टर का खर्चा वो देंगे। इस तरह के परिवार असं चाहते हाँ कि प्रबंधक कमेटी के नाल अगे आके जुड़ कौन सी जी साहब अपने विचार रखे। बलवीर सिंह लोटन जिन्होंने के प्राण किया है जिन्हें चर इटली की धरती से हैलीकॉप्टर की पेमेंट मैं करा। अज देशियां दी संगत जिन्हों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एडा वड्डा सहयोग जिदा सदका प्रबंधक खुले नहीं समाते कि हमेशा तुहाड़ियां खुशियां दे नाल चढ़दी कला दे विच प्रबंधक रहिंदे हन। अज इटली की धरती से तीन नगर कीर्तन हैं, पर अज रशिया का जो नज़ारा है वो आप अपनी अखी जब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बदौलत देख रहे हो। हमेशा प्रबंधकों का साथ तुहाड़ी बदौलत असी सदा ही चढ़दियां कला दे विच। पटना की धरती से पैदा हुए हैं और सिखा का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों का मान इन्होंने आके बताया है। अवसर आप लोगों से मेरी
रिक्वेस्ट यही रहे, मेरी आशा यही, पिछली बार जब मैं आप लोगों के सामने मैं जब आया तो उस समय पग का दस्तार का मामला एयरपोर्ट पे बहुत तेजी से चल रहा था। मैंने आप सबों को वहाँ बताया कि उस समय तक हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ की अथॉरिटी से किस तरह से बातचीत की है। आज मुझको दूसरे नगर कीर्तन पे ये बताते हुए बहुत बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि वो जो मुद्दा था, वो जो मामला था, बहुत हद तक दब चुका है और बहुत ही कम लोग आज एयरपोर्ट पर इस जिल्लत से गुजर पा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बाकी तो जो भी हम लोग कर पाते हैं आप लोगों के लिए, वो करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम लोग आपस में मिलकर ही एक दूसरे की सेवा और मदद कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप लोग भी हमें सेवा का अवसर दीजिए पोलाइटली। एक हम लोग दोनों एक दूसरे के कोई शत्रु नहीं है, हम लोग साथ हैं, साथ मिलकर ही हम लोग एक दूसरे की। सो ये छोटा सा तोहफा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसकी संगत वालों सारी बोले सो निहाल। सो बीबिया रानीपुर वाले ने बेनती है, वो भी भारतीय कौंसलेट जो कि मिलान दे कौंसलेट साढ़े आप जी ने विचार सांझे करके गए हैं। असी भी इन्हों एक बेनती करना चाहते हाँ कि जो कि पिछले दिनों के